यूपी के औरैया जिले में संस्थागत ढांचे के विकास के लिए प्रयासरत कृषि राज्य मंत्री और दिव्यापुर के विधायक लाखन सिंह राजपूत ने मंगलवार को विकास को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यापुर को नगर पालिका बनाने के लिए प्रस्ताव जा रहा है, प्रस्ताव पहुंचते ही इसे मंजूरी दिलाई जाएगी। शासन की मंशा की ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाएँ बने। दिव्यापुर क्षेत्र के बर्मूपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर कृषि राज्य मंत्री ने कहा, पहले 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त स्वीकृत हुई थी। निर्माण के लिए जरूरी बजट को पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। ड्राइंग तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ड्राइंग बनकर आते ही काम शुरू होगा और इसे हर हाल में मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। दिव्यापुर में निर्माणाधीन बस अड्डे की प्रगति को मंत्री ने संतोषजनक बताया। किसानों के प्रदर्शन पर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री कई बार अपने संबोधन में साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी प्रकार से MSP खत्म नहीं होगी। MSP पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि एक्ट में कहा गया है कि किसान कहीं भी अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। कई किसान संगठनों ने कृषि बिल का स्वागत किया है। विपक्षी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए तैयार की गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को किसानों को भ्रमित करने वाले लोगों ने लागू नहीं किया। अब इसे बिल बनाकर पारित किया गया है तो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। 20 करोड़ रुपया की पहली किस्त जारी हुई थी और मेडिकल कॉलेज के लिए जो एस्टीमेट गया था उसका कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका स्वीकृत हो गया है और उसका डाइंग का काम लगभग कॉन्ट्रैक्ट उठ चुका है और डाइंग बनके जैसे ही आ जाएगा वैसे ही इसको मार्च 2022 तक डेट फिक्स की गई है कि इसका निर्माण कम्प्लीटली मार्च 2022 तक कम्प्लीट कर दिया जाएगा। सर, अभी हाल ही में नगर पंचायत जो भी है उत्तर प्रदेश में उनको शासन द्वारा नगर पालिका में बदलने की कोशिश की जा रही है, बदला जाएगा। इसके लिए क्या दिव्यापुर नगर पंचायत को भी नगर पालिका में क्या बदला जाएगा, क्या पारित किया जाएगा? हाँ, देखिए दिव्यापुर नगर पंचायत का भी प्रस्ताव जा रहा है नगर पालिका बनाने, नगर पालिका परिषद बनाने के लिए सर। और जैसे ही प्रस्ताव पहुंच जाएगा तो शासन की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद के रूप में परिवर्तित करने का सरकार का प्लान भी है। सर, भी लास्ट में कि बस स्टैंड का जो पारित किया गया था उसका कार्य उद्घाटन भी किया गया था तो उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कुछ हद तक वहां पर विवाद की स्थिति भी बनी हुई, उसका क्या इसको किस नहीं, नहीं। बस अड्डे की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और बस अड्डे का बड़ा प्रगति के आधार पर काम भी वहां पर चल रहा है और शीघ्र ही उसका निर्माण करके काम पूरा किया जाएगा। सर, ये बिल को भी कृषि बिल भी पास किया गया, उसमें खासतौर से बिल के MSP पे लेके विवाद चला और लगातार उस पर किसान आंदोलन भी कर रहे हैं कि ये जो बिल पास किया गया खासतौर से उद्योगपतियों के लिए लाभदायक और उसमें जो लाभ उठाएंगे वही लाभ उठाएंगे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? देखिए, जो विपक्षी राजनीतिक दल किसान बिल के संबंध में किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और बार बार राष्ट्रीय कृषि मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा विस्तार से इस संबंध में उद्बोधन भी आया था और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि MSP पहले भी थी, अब भी रहेगी, आगे भी रहेगी, किसी भी प्रकार से MSP खत्म नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भ्रमित किया जा रहा किसानों को कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की खेती चली जाएगी। APMC एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी देश के कोने में अपने उत्पादन को जहां उनका रेट अच्छा मिल रहा है वहां बेच सकते हैं। ये भ्रमित करने का प्रयास विपक्षी राजनीतिक दल सिर्फ अपना वोट बैंक का आधार बनाने के लिए कर रहे हैं, कहीं जमीन पर उनका कुछ भी नहीं है। अब बहुत से किसान संगठनों ने इस बिल का तहे दिल से समर्थन भी किया है और आप देख रहे हैं कि पूरा जो प्रधानमंत्री जी का उस दिन का उद्बोधन था सारे किसानों से किसानों के बीच में बैठ के वार्ता की गई है और जो लोग इनको किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उनके कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ये लोग दबाए बैठे रहे। आज वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में बिल पारित करके किसानों को लाभ देने का काम किया जा रहा है।
आज ये विरोध कर रहे हैं, जबकि इन्होंने किसानों के हित में अपने कार्यकाल में न तो समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया और न कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी हो, जिस तरीके से एक दूसरे पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे, क्या ये राष्ट्रहित के लिए सही है सर? नहीं, कतई किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को संसदीय भाषा में बोलना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था यही है। यदि वो करते हैं तो जनता उनको अच्छी तरह समझ रही है और जनता निश्चित रूप से उनको जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।